सो हाय गाइस, वेलकम है आपका एक मेरे न्यू चैनल में। इस चैनल पे मैं आपको बताऊंगा कि आप यूट्यूब पे बहुत जल्दी ग्रो कैसे कर सकते हो, यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स। सो गाइस, आज का जो टॉपिक हमारा ये है कि आप कैसे एक क्रिएटिव थंबनेल बना सकते हो, जैसा कि मनोज दे, सेट टॉक, चाहे जो अदर बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो काफ़ी अच्छे क्रिएटिव थंबनेल्स बनाते हैं जिस पर हम खुद क्लिक करते हैं, वो हमें भी अच्छा लगता है। तो हम भी सोचते हैं क्यों ना इनसे बेहतर थंबनेल क्रिएटिव बना के दिखाएं, ताकि हम पे ज़्यादा व्यूज़ आए, हम पे ज़्यादा ऑडियंस का रिटेंशन बढ़ा रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब पे थंबनेल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस भरी है, जैसा कि आप सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा। लेकिन ये वीडियो आज की बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मैं एक अलग सॉफ्टवेयर को लेके आया हूँ, इसको मैं बहुत कम से कम 2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ और बहुत अच्छे से मेरे को इसकी नॉलेज है। सो गाइस, आप इसमें इतना ज़्यादा थंबनेल क्रिएटिव बना सकते हो कि आप सोच नहीं सकते। सो गाइस, मैं आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे डिज़ाइन करते हैं क्रिएटिव थंबनेल। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है फोटोशॉप का इंटरफेस, जैसा कि आप देख सकते हो। और हमें अब किसी बंदे की पिक्चर लेनी है, जैसे मैंने किसी की पिक्चर ले ली, और जो हमारा पेज का साइज़ होगा वो होगा 1280x720, जैसा कि थंबनेल का साइज़ होता है। सो गाइस, अब हमें अपने कंटेंट को पेस्ट करना है, जैसा जो हमने कंटेंट लिख रखा था, जब जो कंटेंट मनोज दे यूज़ करते हैं, हमने सेम वही कंटेंट को यहाँ भी यूज़ किया है। सो गाइस, जो थंबनेल्स होते हैं, थंबनेल्स हम ऐसा बनाए कि मतलब देख के बंदा लगे कि हाँ, इस डिज़ाइन में कुछ है, तभी वो हमारी वीडियोज़ को वॉच करेगा। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको इतने मतलब अच्छे तरीके से थंबनेल बनाना सिखाऊंगा कि गाइस आप भी कहोगे कि हाँ, इस वीडियो को एक लाइक करके ही चलना चाहिए, क्योंकि जो इसमें आपको दिख रहा है थंबनेल बनाने का तरीका, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको भी लगेगा। और मेरी अगर आप वीडियो देख रहे हो अभी, तो ज़रूर आप बहुत मतलब खुश होंगे अंदर से कि हाँ, ये बंदा अच्छी नॉलेज दे रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छी, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अलग है और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव जो भी डिज़ाइन अभी बन रहे हैं, जो हम देखते हैं डेली सोशल मीडिया पर, सारे वो इसी में डिज़ाइन होते हैं। सो गाइस, देख, मैंने एक कंटेंट लिख दिया यहाँ पे, इसका पूरा कंटेंट जो भी है मैंने हिंदी में यूज़ किया, क्योंकि मनोज दे भी ज़्यादा कंटेंट हिंदी में ही यूज़ करते हैं। एंड गाइस, मैंने कंटेंट इसका यूज़ कर रहा हूँ, मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ यहाँ पे, रेक्टेंगल ले लिया। इसका जो फॉन्ट का जो कलर होगा हम ब्लैक करेंगे, और इस जो लेयर है, इस लेयर के हमें ऊपर रखना है, क्योंकि वाइट में तो दिखेगा नहीं, इस लेयर के हमें ऊपर रखना है। सो गाइस, ये देखिए, मैं इसे कर रहा हूँ इसके ऊपर, और जो फॉन्ट का कलर है ब्लैक। अब गाइस, जो इसमें एक कंटेंट है वो मैंने हिंदी में यूज़ किया है, चैनल। तो एक जब हम मतलब मिक्स अगर मिक्स हम फॉन्ट यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छे फॉन्ट्स जो पॉपुलर है पहले से ही, सो गाइस इससे जो हमारा डिज़ाइन है वो ज़्यादा इम्प्रूव होता है, मतलब हाँ, अट्रैक्टिव लगता है कि भाई कुछ फॉन्ट्स मतलब मिक्सिंग किए इसने और पढ़ा भी जाता है काफ़ी अच्छे से। सो गाइस, ये देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, अब ये गलती मत करना वरना जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट होगा हम उसे इस पे टाइप करेंगे, वाइट रंग के, वाइट में मैं करके देखता हूँ, वाइट फॉन्ट कलर में अगर ठीक लगा तो वाइट कर देंगे, फिर ब्लैक फॉन्ट हमने लिया, फॉन्ट ले लिया हमने, पहले से हम कलर कर देते हैं। अच्छा, सो गाइस, अब हम फॉन्ट लेते हैं अपना चैनल बंद, जो हमारा इतना फॉन्ट है वो 4 टाइप में आएगा, चैनल बंद। सो गाइस, इसका हम जो फॉन्ट कलर लेंगे हम वाइट रखेंगे, क्योंकि येलो पे वाइट काफ़ी अच्छा भी दिखेगा और मतलब अट्रैक्शन भी काफ़ी इससे बढ़ जाती है। और जो मैंने रेक्टेंगल के कलर्स लिए वो काफ़ी यूनिक हैं, क्योंकि दूर से बंदा देख लेगा कि हाँ, रेड पे इन्होंने कुछ लिख रखा है, वाइट पे ब्लैक है, काफ़ी अच्छा खासा कॉम्बिनेशन यूज़ कर रखा है, इसलिए जो थंबनेल काफ़ी यूनिक बनता है, इससे मतलब जो ऑडियंस का जो रिएक्शन या फिर अटेंशन कह लो, काफ़ी अच्छा खासा बनता है हमारी वीडियोज़ पर, वीडियो ज़रूर क्लिक करेंगे ही करेंगे। सो गाइस, हम पहले फॉन्ट ले लें कोई बढ़िया सा, हाँ ये फॉन्ट बढ़िया है, हाँ ये फॉन्ट बढ़िया है। तो गाइस, मैंने इस फॉन्ट को ले लिया, अब गाइस इसके बाद हमें एक यूट्यूब का आइकन उठाना है, जो कि मैंने अपने सिस्टम में पहले से रख रखा है, इसको पेंजी करके। अब इन सभी करने के बाद हमें इनको रिसाइज कर लेंगे, एक बढ़िया अलाइनमेंट दे देंगे, ताकि जो अलाइनमेंट देने के बाद यही होता है कि जो डिज़ाइन है काफ़ी हमारा अच्छा होता है, कि हाँ, हर चीज़ सिस्टमेटिक इन्होंने यूज़ कर रखी है। सो गाइस, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, मैंने एक पेंजी कर रखी यूट्यूब के लोगों की, ये आइकन का फाइल यूट्यूब, हाँ ये रहा यूट्यूब। अब इसके लिए हम एक और रेक्टेंगल डिज़ाइन करेंगे,
रेक्टेंगल डिज़ाइन करके रेक्टेंगल के ऊपर इस हम लोगो को रखेंगे, और जो हम रेक्टेंगल लेंगे उसका कलर भी हम वाइट ही रखेंगे, बिकॉज जो डिज़ाइन है वो रेड रंग का है और ब्लैक रंग का, तो वाइट पे काफ़ी ज़्यादा उभर के आएगा, तो इसे मतलब काफ़ी अच्छा लगता है डिज़ाइन, काफ़ी कूल। इसके लेयर के हमने इसको ऊपर कर लिया, इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। अब इन सभी को हम अलाइनमेंट दे देंगे, सो वे सभी को हम पहले ग्रुप कर देते हैं, जो भी रेक्टेंगल और जो हमारा कंटेंट है एक एक पार्ट को हम कर देते हैं। उसके बाद हम सबसे टॉप वाली लेयर और सबसे नीचे वाली लेयर को शिफ्ट करके हम उसे अलाइनमेंट कर देंगे, ताकि हमारी जो भी चीज़ें हैं वो सेंटर में आ जाए। सो गाइस, इसके बाद हम एक ग्रेडियंट का यूज़ करेंगे, जिससे कि जितनी सारी चीज़ें जो पीछे हरियाली है, मतलब कुछ ज़्यादा उभर के नहीं आ रहा अब, लेकिन जो अब मैं इस पर डिज़ाइन करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला है। सो गाइस, इसे ज़रूर से आप भी ट्राई करना, क्योंकि इससे किसी भी डिज़ाइन की जो यूनिक है वो मतलब बाहर निकल के आती है कि हाँ मैं कंटेंट अच्छे से दिख रहा है, हाँ ये कोई थंबनेल बनाया है किसी ने। सो गाइस, ये देखो मैं ग्रेडियंट कर चुका हूँ इस पर, हमारा जो थंबनेल है वो बन के रेडी हो चुका है और बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।